हाय गाइस, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है जो आजकल सारे एम्प्लॉयज जॉब ओरिएंटेड लोगों के साथ आ रही है, और वो ये है कि वो हर लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, कार लेना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उनके पास पैसा नहीं है और उस नीड को पूरी करने के लिए वो लोन ले रहे हैं, और उसके बाद भी उनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। तो देखो गाइज, मैं एक ही सोल्यूशन बताऊंगा, वो ये है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो अभी कोई चीज़ को, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत लो, लेकिन उस चीज़ को लेने का प्लान बनाओ कि कैसे मैं उस चीज़ को प्लान करके ले सकता हूँ। मतलब आपको इनकम बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि लोन लेके आप उसको ले तो रहे हो, लेकिन लोन तो आपको देना है ना अगले 2-3 साल 4 साल में, तो आप इनकम बढ़ाने पर काम नहीं कर रहे हो, तो आपको इनकम बढ़ानी पड़ेगी, सोर्स ऑफ इनकम। तो आप किसी भी जॉब में हो, पर्टिकुलर जॉब में हो, तो उससे जो आपकी इनकम आ रही है उस चीज़ को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप अफोर्ड कर पाओगे। और अगर आप नहीं बढ़ा पा रहे हो और चीज़ें खरीदते जा रहे हो लेटेस्ट पे लेटेस्ट, तो आज नहीं तो कल आप प्रॉब्लम में फंसोगे। तो इनकम बढ़ाने का एक ही तरीका है कि उस जॉब को करो जो आप सबसे बेहतर ढंग से कर सकते हो, और अगर वो जॉब अवेलेबल नहीं है तो वो जॉब करो जो कि आपको मिल रही है, बट एट द सेम टाइम जो जिस काम को आप अच्छे से कर सकते हो उस काम को करो, और उस काम को कमर्शलाइज करने की कोशिश करो। हो सकता है कि आपको अभी सेल्स की जॉब मिल रही है, तो आप सेल्स की जॉब करो, बट एट द सेम टाइम अगर आप राइटर बहुत अच्छे हो तो अपनी राइटिंग का यूज़ करो, उसको सेल करने की कोशिश करो। ये कोशिश करो कि अच्छा नॉवल लिख दो ताकि वो बिके, ये कोशिश करो कि पोएम्स लिखो ताकि वो बिके, पेंटर हो तो ड्राइंग्स करो साथ साथ में अपनी जॉब के साथ साथ में, उसको बेचने की कोशिश करो, उसको कमर्शलाइज करो। और जब उस दूसरे इंटरेस्ट से आपको इतना पैसा आने लगे कि आप जॉब का जो पैसा है वो कम पड़ने लगे, तब आप चीज़ें खरीदना स्टार्ट करो। मतलब जब आपके इंटरेस्ट, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट वाली चीज़ से पैसा कमाओगे ना, तो ऑब्वियसली उससे पैसा बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि बिकॉज यू नो दैट थिंग वेरी वेल, आप उस काम में बहुत अच्छे हो, तो उससे आपको ऑब्वियसली उस जॉब से तो बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। तो जब वो पैसा आएगा तब आप खरीदो, तब लेटेस्ट फ़ोन लो, तब घर लो, उसके बाद जो भी चीज़ें, EMI का कोई चक्कर नहीं, लोन लेना का कोई चक्कर नहीं, तब खरीदो आप। लेकिन जब तक प्रॉपर प्लान ना हो आपके पास, तब तक बड़ी बड़ी चीज़ें लेके अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय मत करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। और फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाओ अपने, और फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाओ।